hello everyone welcome to Wikipedia, powered by abhimanyu yes, my name is brijesh and today this is our ninth lecture on agriculture for revision course punjab patwari okay and today we will cover some important points some important facts about quality control of seeds fertilizer and insecticide then dairy farming and then milk product and their मार्केटिंग पोल्ट्री फार्मिंग एंड पिग शीप गोड एंड रेबिड फार्मिंग ओके सो देर विल बी 11 लेक्चर्स इन टोटल वी विल ट्राई टू कवर द होल सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर इन दीज लेक्चर्स ओके जहाँ पे आपको लगे देखिए अब तक आपका सलेबस पंजाब पटवारी का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा अच्छी खासी आपने तैयारी कर ली होगी क्योंकि एग्जाम सभी को पता है कि दो तरीक को होने वाला है राइट right? बट फिर भी बिकॉज दिस इज रिविजन कोर्स तो अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है तो आपने उसको नोट डाउन करते चलना है ओके okay? कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपने नोट डाउन कर, कर लेना है राइट सो आई गैस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो सबसे पहले वी विल सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टीसाइड्स राइट सो नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1955 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड एला इन एक्टेड एला एंड दैट वाज इसेंशियल कमोडिटी एक्ट ओके उसमें क्या था जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं फॉर एग्जांपल फूड स्टफ़ आइटम्स राइट दोज आइटम्स वर कवर्ड अंडर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट उसके अलावा जो ये एक्ट था इसमें सीड कंट्रोल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स को कवर किया गया राइट right. अब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था ये जो इसेंशियल कमोडी एक्ट कमोडिटी एक्ट बनाया इसका क्या ऑब्जेक्टिव था नंबर वन टू परवेंट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ फूड स्टफ्स। द इसेंशियल कमोडिटी एक्ट वॉज इनएक्टेड इन नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव नाउ अब एग्जाम में यहां पे क्वेश्चन आ सकता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब लागू किया गया था और ये क्वेश्चन आ सकता है कब ये एग्जिस्टेंस में आया था तो वहां पे आंसर क्या होना चाहिए ये आपने ध्यान में रखना है नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव राइट तो किस लिए किया गया था सो so दैट कि जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं उनकी होल्डिंग ना हो सके राइट right? जैसे गोडाउन uh, भर भर के ना रख लें ज़्यादा बेनिफिट कमाने के लिए प्रॉफिट कमाने के लिए या ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके उस लिए और क्या ऑब्जेक्टिव था ये इसेंशियल कॉमेडी एक्ट कमोडिटी एक्ट का right. राइट इसमें गवर्नमेंट क्या करती थी बेसिकली गवर्नमेंट वाज गवर्नमेंट्स, बाय डिक्लेयरिंग ए कॉमोडिटी कॉमोडिटी एज इसेंशियल द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल गवर्नमेंट क्या कर सकती है एक तो इसकी प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर सकती थी फिर सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी राइट right? तो ये जितने भी फूड आइटम्स थी या जो भी आइटम्स जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आती थी द गवर्नमेंट कुड कंट्रोल द प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस आइटम्स अंडर नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल टू, राइट, बट नाउ वी जो नो कि अभी जो फार्म फार्म सर्कमस्टांसिस आए हैं राइट right, जिनके लिए काफी आपको पता ही है फार्मर्स प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं राइट right, उसमें एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ट्वेंटी भी है राइट अब ये जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट ट्वेंटी है ये जो 95, 1955 नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव में जो एक्ट बना था कमोडिटी उसी को आगे रिफॉर्म किया गया है उसमें एक सब सेक्शन को ऐड किया गया है इन सेक्शन थ्री राइट तो आपने क्या ध्यान में रखना है जो नाइनटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया था उसी में उसी को आगे रिफॉर्म किया गया उसी में एक आगे सब सेक्शन एड किया गया है अंडर सेक्शन थ्री नाउ इस अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया है क्या चेंज आया है बेसिकली कि जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं लाइक सेरेल्स पल्स ऑयल सीड्स एडिबल ऑयल पोटैटो ऑल दीज आइटम्स कैन बी रेगुलेटेड अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी च इंक्लूड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइज राइज राइट वॉर फेमाइन और नेचुरल कैलॉमिटीज ओके सो क्या चेंज आया है कि अब जो गवर्नमेंट इन एसेंशियल कमोडिटीज जो आइटम्स हैं याशियल जो कमोडिटीज हैं उनको कब रेगुलेट कर सकती है अंडर अंडर द सर्कमस्टांसिस लाइक प्राइज राइज वॉर फेमाइन और नेचुरल कैलमिटीज ओके okay? सो so, आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो है 2020 है हाउ इज हाँ ये उससे जो 95 1955 एसेंशियल कमोडिटी कमोडिटी एक्ट था उससे कैसे डिफरेंस क्या है उससे उससे कैसे अलग है राइट right? दूसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है ये उसमें क्या अलग है नाइनटीन नाइनटी जो नाइनटीन हंड्रेड एक्ट था उससे क्या अलग चीज है इसमें और इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है सो so, मेन जो चीज है दैट इज कि गवर्नमेंट कैन रेगुलेट प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज एसेंशियल कमोडिटीज अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नेक्स्ट इज इन पंजाब ऑल दीज थ्री लॉज आर इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब पंजाब में ये तीनों लॉज जो हैं वो कौन देखता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर राइट अगर किसी प्रोडक्ट में कोई पुअर क्वालिटी का है राइट right? अगर कोई प्रोडक्ट पुअर क्वालिटी का है या उसमें मिलावट है तो तो जो फार्मर्स है वो कहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं चीफ एग्रीकल्चर ऑफिस जो भी डिस्ट्रिक्ट का है राइट तो जैसे अगर किसी सीड्स में या फर्टिलाइजर्स में या इंसेक्टिसाइड में आप जैसे फार्मर्स को लगता है कि वो पुअर क्वालिटी का है या उसमें मिलावट है तो ये फार्म चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर जो रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट का है उसके वहां पे कंप्लेंट करवा सकते हैं ओके अगर कहीं पे इनमें कोई पुख्ता सबूत मिल जाता है इन केस एनी एविडेंस ऑफ पुअर क्वालिटी इज फाउंड राइट इन दीज लीगल एक्शन इज टेकन अगेंस्ट द दल्परेट एंड देयर लाइसेंस ऑफ सेल कैन आल्सो बी कैंसल्ड राइट तो सबसे पहले जो फार्मर है वो कहां पे कंप्लेंट करेगा जो अपने जिला में जिले में जो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है वहां पे कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और अगर कोई सबूत मिल जाता है कि जो जो ये ये प्रोडक्ट है ये पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट था तो क्या है जो कल्प्रिट है उसको उसके उसमें वो उसके अंडर उसको लीगल एक्शन उसके जो उसको लीगल एक्शन चलाया जाएगा उसके खिलाफ और उसको जैसे उसका लाइसेंस है वो भी कैंसिल किया जा सकता है राइट right? देन सीड देर आर सर्ट एन लॉज फॉर सीड कंट्रोल राइट जिसको हम सीड कंट्रोल ऑर्डर भी कहते हैं अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजन है नंबर वन राइट टू गिव लाइसेंस नंबर वन इज राइट टू गिव लाइसेंस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दिस ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एनी ऑफिसर एज लाइसेंस ऑफिसर

देखिए हर कोई जो ये प्रोडक्ट हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र हर कोई नहीं बेच सकता इनको बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें एक लाइसेंस लेना पड़ता है हर डिस्ट्रिक्ट में एक चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है वहाँ पे जाके हम अपना जैसे अपना लाइसेंस के लिए हम अप्लाई करते हैं फिर हम वो फर्टिलाइजर बेच सकते हैं राइट right? तो ये जो राइट right है किसको दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को राइट right? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है किसी भी ऑफिसर को जैसे एज लाइसेंस ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है राइट टू डिस्ट टू गिव लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ सीड्स फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड देन सीड इंस्पेक्टर नेक्स्ट इज सीड इंस्पेक्टर अंडर दिस एक्ट गवर्नमेंट अपॉइंट्स एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट ऑफिसर कौन एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट ऑफिसर सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट में होता है मेन हेड डिस्ट्रिक्ट का कौन होगा चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर और उसके नीचे ए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर सो सीड इंस्पेक्टर किसको बनाया जा सकता है जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है राइट तो दीज ऑफिसर्स एक्ट एज सीड इंस्पेक्टर राइट ऑफ फार्मर्स राइट अंडर दिस एक्ट राइट ऑफ फार्मर्स आर सिक्योर्ड हु परचेज सीड्स सो दैट इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम राइट फार्मर्स कैन फार्मर्स कैन गेट कंपनशेशन फॉर देयर एक्सपेंडिचर ऑन सीड्स इन केस अगर सीड्स सीड्स uh, में जैसे कोई घटिया uh, पुअर क्वालिटी के सीड्स आ जाते हैं या जैसे उनकी सीड्स में जैसे पैदावार कम होती है राइट right, तो क्या है जो फार्मर्स हैं, उनको कंपनसेशन का प्रोविजन भी है नेक्स्ट इज लॉ रिगार्डिंग सेल ऑफ सीड अंडर आर्टिकल सेवन ऑफ द सीड एक्ट सेल ऑफ ओनली नोटिफाइड सीड इज अलाउड ओके अंडर ये देखिए एग्जाम में यहां पे क्वेश्चन आ सकता है राइट अंडर विच एक्ट जो सीड्स हैं दोज कैन बी सोल्ड सो अंडर आर्टिकल सेवन ऑफ द सीड एक्ट सेल ऑफ ओनली नोटिफाइड सीड इज अलाउड राइट दी सीड शुड बी इन सील्ड पैकेट्स ये सारे जो सीड्स हैं सील्ड पैकेट में होने चाहिए कंटेनर्स और बैग्स में होने चाहिए एंड शुड हैव ए क्वालिटी ऑफ लेबल ऑफ सर्टिफाइड सीड्स और ट्रस्ट और ट्रुथफुली लेबल्ड सीड्स तो ये जो सीड्स हैं एज पर आर्टिकल सेवन ऑफ द सीड एक्ट दिस शुड शुड दिस सीड शुड बी पैक्ड इन सील्ड कंटेनर्स जो फिफ्थ जो प्रोविजन है सीड एक्ट की वो क्या है सर्टिफिकेशन अटेस्टेशन ऑफ सीड्स जो देखिए ये जो फर्म्स हैं जो सीड्स वगैरह बनाती हैं राइट दो कैन अप्लाई फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ देयर सीड्स राइट So they have producers of seeds have full freedom for certification of seeds, right? So these are few provisions of Seed Act. Next is Fertilizer Control Order. Now, Fertilizer Control Order, nineteen eighty five. वॉज मेड टू इंश्योर क्वालिटी एंड करेक्ट वेट ऑफ फर्टिलाइजर एंड ऑल्सो टू प्रवेंट सेल ऑफ अडल्टरेटेड लो क्वालिटी एंड नॉन सर्टिफाइड फर्टिलाइजर सो नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर कंट्रोल के लिए जो एक्ट बना है सो अंडर दिस एक्ट पहले तो यह देखना है ये कौन सा एक्ट है कौन सा लॉ है सो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर नाइनटी एट इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था

फर्टिलाइजर्स वगैरह बेचने हैं तो हमें लाइसेंस कहाँ से लेना पड़ेगा चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर से ओके okay. अब देखिए पंजाब में अक्सर ये लाइसेंस मिलता कैसे है ऑलमोस्ट सभी फार्मर्स को पता होता है या जो भी डीलर्स हैं उनको पता है या जो भी फार्म हैं उनको पता है कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है सेवा केंद्र खोले हैं वहां पे हम अगर हमने अपना जो सीड्स जैसे सो हमने फर्टिलाइजर वगैरह बेचने हैं तो वहाँ पे हम एप्लीकेशन एक सबमिट कराते हैं और वो एप्लीकेशन कहाँ पे जाएगी चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर के पास जाएगी वहाँ से जो चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो डिपेंडिंग ऑन द यू नो एलिजिबलिटी वो आपको फिर एक लाइसेंस देते हैं फर्टिलाइजर बेचने का राइट right? वहाँ पे एप्लीकेशन में ये भी लिखा जाता है कि कौन कौन से फर्टिलाइजर्स इन्हें बेचने हैं शॉप जो भी है फर्म है राइट right? तो मेन जो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये फर्टिलाइजर बेचन जैसे फर्टिलाइजर्स के लिए टू डील इन द प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स राइट जो बिजनेसमैन है या जो जो फर्म है वो उसको लाइसेंस कहां से मिलेगा या कहां से वो अप्लाई कहां पे अप्लाई कर सकता है देन योर आंसर शुड बी चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ओके देन सैंपल ऑफ फर्टिलाइजर आर टेकन एंड सेंट टू फर्टिलाइजर टेस्टिंग एट लुधियाना एट फ्रीदोट अक्सर क्या है जो फर्टिलाइजर है इनके सैंपल्स कहां पर भेजे जाते हैं राइट right? तो फर्टिलाइजर टेस्टिंग लैबोरेटरी कहा लुधियाना और फ्रीदोट में यह भी एग्जाम में आ सकता है नेक्स्ट है इंसेक्टीसाइड एक्ट दिस एक्ट वॉज मेड इन नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट इंपॉर्टेंट है एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट आर टू कंट्रोल एंड मोनिटर ऑफ इंपोर्ट इंसेक्टिसाइड एक्ट है कब बना था उन्नीस सौ में और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है नंबर वन कंट्रोल एंड मोनिटर इंपोर्ट कि कितना हम बाहर से मंगाते हैं दूसरा प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज प्रॉपर यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड एक्ट में सारी डायरेक्शन हैं कि ये जो इंसेक्टिसाइड है किस तरह से यूज करना है सो so दैट के कोई पब्लिक है उसको किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट ना हो ओके सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेक्टिसाइड एक्ट इज नंबर वन मोनिटर मोनिटरिंग ऑफ इंपोर्ट दूसरा प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रॉपर यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड राइट तो ये दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंसेक्टिसाइड एक्ट अगेन ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ये किसको दी गई है फॉर सेल परचेज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स इसको देखने के लिए जैसे लाइसेंस दिया जाता है तो कौन देता है चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर so punjab government has given the authority to chief agriculture officer of respective district to provide license to the dealers in order to sell say, insecticide under the insecticide act ado has been declared as insecticide inspector okay so exam mein question who looks into the distribution of license to the dealers right जो डिस्ट्रीब्यूशन फर्टिलाइजर्स हैं इंसेक्टिसाइड्स हैं इनका जो लाइसेंस है डीलर्स को कौन देता है चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर और इनकी जो क्वालिटी वगैरह है उसकी वो जैसे वो क्वालिटी वगैरह को चेक करने के लिए राइट right, इंसेक्टिसाइड है जी ये जो इंस्पेक्टर है ये कौन, किसको लगाया जाता है जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है इसको एज इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है राइट right? तो दो क्वेश्चन यहाँ तीन चार क्वेश्चन हैं यहाँ से बन सकते हैं इंसेक्टिसाइड एक्ट कब बना था उसका क्या ऑब्जेक्टिव है राइट right? और इसमें का लाइसेंस लेने का जिम्मेदारी किस दे, दे, लाइसेंस देने की जिम्मेदारी किसकी है तीसरा जो चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि जो इंस्पेक्टर है राइट right? किसको बनाया जा सकता है सो so, ट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर बनाया जा सकता है नाउ नेक्स्ट इज डेयरी फार्मिंग अगेन एनिमल हस्बेंड्री स्पेशली डेयरी फार्मिंग कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइवर्सिफाइफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखिए डायरेव एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम काफ़ी कुछ कोशिशें कर रहे हैं नंबर वन जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री है वो दैट इज़ आल्सो यू नो ए वाइबल सॉल्यूशन फॉर डाइवर्सिफिकेशन सिमिलरली एनिमल हजबेंड्री इज़ आल्सो ए सॉल्यूशन फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर ओके सो दिवर्� एनिमल हजबेंड्री है जो यूथ्स हैं रूरल यूथ हैं उसको एज एम्प्लॉयमेंट भी अपना सकते हैं राइट सो so, ये एनिमल जो डेयरी फार्मिंग है इट्स ए वेरी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ओके इससे क्या है एक तो जो गांव के जैसे किसान हैं उनकी जो इनकम है वो बढ़ती है यूथ्स हैं उनको रोज़गार मिलता है राइट सो इट्स ए वेरी इम्पोर्टेंट देन सो अगर देखिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? अब तो, जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है दैट इज डेली मिल्क रिक्वायरमेंट ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने याद रखना है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क फॉर ए हेल्दी पर्सन इज 250 हंड्रेड एंड फिफ्टी ग्राम्स मिल्क प्रोडक्शन एंड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया हैज इंक्रीज अलॉट सो so, अब देखिए यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन है कॉन्स्टेंटली जो इंडिया की बात करें तो वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुई है राइट वी आर द नंबर वन प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड ओके अब एक कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते हैं नंबर वन इन 1991 1991 टू 1992 जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क थी इन मिलियन टन्स दैट वाज 55.6 मिलियन टन्स। अब जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है ग्राम्स पर डे वो कितनी है 178, 1991 एट टू नाइनटीन हंड्रेड और बानवे में प्रोडक्शन कितनी थी 55.6 और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ग्राम्स पर डे में कितनी थी 178 एट अब ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कितनी पॉपुलेशन है और कितना जो मिल्क है वो चाहिए पर पर्सन राइट सो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन 1901 एंड 1902 हंड्रेड टू वॉज वन एंड 2011 में मिल्क की, की जो प्रोडक्शन है हमारे कंट्री में वो कितनी होगी 121.8 मिलियन टनस और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क कितनी हो टू एट्टी वन राइट इतना ज्यादा हम जैसे मिल्क है कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी नेक्स्ट इन टू थाउजेंड इलेवन मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज टू वन ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन मिलियन टन और जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क दैट इंक्रीज टू तो टू हंड्रेड एंड in 2018-19 our milk production increased to 187.7 million tons and per capita availability of milk grams per day that increased to 394 right and in 1922 2019 and 20 अवर मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज टू वन नाइन्टी एट पॉइंट फोर मिलियन टनस एंड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इज फोर जीरो सेवन राइट सो ये कुछ डाटा था उन्नीस सौ इक्यानवे बानवे से लेकर दो हजार उन्नीस और बीस तक अब यहाँ पर आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो है ध्यान में रखना है एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है राइट right? टोटल मिल्क प्रोडक्शन जो पूछी जा सकती है जो किताबों में है एक्चुअली जो बुक्स वगैरह में है वो क्या है पुराना है वो दैट इज परटेनिंग टू 2011 एंड ट्वेल्व ओके दो हजार का क्वेश्चन आ सकता है या 2010-11 का क्वेश्चन आ सकता है तो एक तो आपने ये याद रखना है 2010-11 में कितना था 121.8 मिलियन टन इतनी प्रोडक्शन थी मिल्क की हमारे कंट्री में और 2011-12 में कितना था 127.9 मिलियन टन इतनी प्रोडक्शन थी कई बार एग्जाम में लेटेस्ट भी पूछ लेते हैं तो 2019-20 में अप्रोक्सीमेटली द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क वॉज वन मिलियन टनस एंड per capita availability of milk is 407 right. Next is milk production and per capita availability of milk in Punjab. In 2010 10 and 11 milk production in Punjab in tons was uh, lakh tons was 94.3 lakh tons. राइट right? इन 2010 एंड 11 ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो एक, बुक्स वगैरह में है अगर मान लीजिए वहां से क्वेश्चन आ जाता है तो ये जो सर्वे हुआ था 2011 आ, 10 11 में वहां से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट right? सो so, दोनों ये इंपॉर्टेंट है 2010 11 2011 12 और जो लेटेस्ट है जैसे टू राइट right. सो so, 2010 एंड 11 जो टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन है वो जो पंजाब में थी जो मिल्क प्रोडक्शन वो कितनी थी 94.23 फोर और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन पंजाब इज 937 नाउ आपने देखिए यहाँ पे अगर एक चीज़ हम इम्पोर्टेंट क्या है कि जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है पूरे इंडिया की अगर बात करें तो दैट इज़ 407 आज के आज के समय में अराउंड अप्रोक्सीमेटली पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इज फोर जीरो सेवन ओके नाउ अगर हम केवल के, सिर्फ पंजाब की बात करें तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क जो है दैट इज नाइन थर्टी सेवन एंड इट वॉज एज पर टू थाउजेंड टेन एंड इलेवन इन इन टू थाउजेंड इलेवन एंड ऑफ मिल्क इन लैक्स वाज 95.51 अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क वाज 945 सो ऑलमोस्ट डबल है पंजाब में जो मिल्क है राइट तो वो क्या है ज्यादा है एज पर कंपेयर टू अवर नेशनल एवरेज राइट सो 2018 और 19 में टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन पंजाब वाज 126 लाख सिक्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इज 1181, जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है इन अदर स्टेट्स राइट इन अदर स्टेट्स और अब बात करें तो पूरे इंडिया की बात करें तो दैट इज अराउंड 407 और 400. बट इन पंजाब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इज अराउंड 1181. राइट काफी ज्यादा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ देर आर सम मोर फैक्ट्स रिलेटेड टू डेरी फार्मिंग ओके नाउ देर आर इन टोटल 70 लैक्स काउस इन पंजाब एज पर टू थाउजेंड इलेवन देर आर देर आर अबाउट 70 लैक्स काउस एंड फिफ्टी लैक्स बुफेलोज इन पंजाब ओके okay. काउस और पचास लाख जैसे हमारे यहां पे जैसे बुफेलोज हैं ओके okay. अब यहां पे देखिए एक चीज है भैंसे कितनी हैं पचास लाख और काउस कितनी हैं सतारह लाख तो, अब देखिए यहां पे क्या चीज है जो काव है उसका जो मिल्क होता है उसमें एक फैट कम होता है और जो बुफेलोज हैं उसमें जो फैट है उसकी मात्रा ज्यादा होती है जो जो cow, जो बफेलो का मिल्क है वो जो महंगा बिकता है ओके okay? सो so ये चीज हमने ध्यान में रखनी है देर आर अबाउट सेवनटीन लैख एंड बफेलोज़ इन पंजाब विच प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली फोर लैख टन ऑफ मिल्क एनुअली देन पंजाब इज वन ऑफ द लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन कंट्री विद हंड्रेड थर्टी सेवन ग्राम पर डे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क एट कंट्री लेवल इट इज 291 हंड्रेड नाइन्टी वन ग्राम ओके नाउ दिस डेटा इज एज पर टू थाउजेंड टेन एंड इलेवन एग्रीकल्चर सर्वे ओके सो 2010-11 के जो एग्रीकल्चर सर्वे हुआ था उसमें उसके अकॉर्डिंगली पंजाब इज द इज वन ऑफ द लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ स्टेट्स इन द कंट्री विद नाइन हंड्रेड थर्टी सेवन ग्राम पर डे पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क वाइल एट कंट्री लेवल इट इज टू नाइनटीन टू नाइनटी वन ग्राम राइट सो जी जो पिछले तीस साल हैं इन द लास्ट थ्री डिकेड्स world milk production has increased by more than 59% from 530 million tons in 1988 to 843 million tons in 2018. Okay. next is india is the world's largest producer of milk with 22% of global production. जितना भी वर्ल्ड में मिल्क प्रोड्यूस होता है उसका 22% परसेंट हमारे इंडिया का उसमें 22% परसेंट इंडिया का हिस्सा है ओके इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है अब जो टोटल मिल्क है वर्ल्ड का उसका 22% परसेंट जो है इंडिया से आता है उसके बाद यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है फिर चाइना पाकिस्तान एंड ब्राज़ील देखिए मैंने आपको जो डाटा बताया है जो मिल्क प्रोडक्शन है 2018-19 में जो थी वो बता दी है 2010-11 में आपको जो मिल्क प्रोडक्शन है वो एज पर बुक बुक्स वो है वो आपने ध्यान में रखना है अब 2020 में जो मिल्क प्रोडक्शन थी हमारे कंट्री में वो कितनी थी 194 फिर 800,000 हंड्रेड थाउजेंड टंस इन टू ओके

मोर स्लोवली देन इन अदर डेवलपिंग रीजन्स बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड इन सम कंट्रीज एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस सो जो मिल्क प्रोडक्शन है उसके जो एक्सपेंशन है वो साउथ एजिया में ज़्यादा हो रही है जो अफ्रीका है वहाँ पर कम है क्यों क्योंकि वहाँ पर पोवर्टी है और जो क्लाइमेट कंडीशन हैं वो भी इतने अच्छे नहीं हैं अब देखिए एक चीज़ समझने वाली है चाहे हम वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बट फिर भी हम मिल्क सरप्लस नहीं है मिल्क सरप्लस कंट्रीज कौन कौन से हैं जहाँ पे जो मिल्क की जो जितना मिल्क पैदा होता है वो सारी पॉपुलेशन के जो के यूज़ होने के बाद भी बच जाता है फिर उसको वो जो कंट्रीज़ हैं एक्सपोर्ट कर देते हैं सो so, जो मिल्क सरप्लस कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं हाइएस्ट ओके okay. यहां पे क्या चीज पूछ है जो मिल्क सरप्लस है कंट्रीज वो कौन कौन से हैं न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा जो मिल्क सरप्लस की बात करें तो जिसके पास फालतू है दूध ठीक है सो न्यूजीलैंड है फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है जर्मनी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड सो दीज आर मिल्क सरप्लस कंट्रीज अब जिन कंट्रियों में मिल्क की ज्यादा सबसे ज्यादा कमी है वो कौन कौन से हैं चाइना इटली रशियन फेडरेशन मैक्सिको अल्जीरिया एंड इंडोनेशिया सो आर मिल्क डेफिशिएंट कंट्रीज ओके नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डेरी फार्मिंग एंड हाउ टू इंप्रूव प्रोडक्शन ऑफ मिल्क देखिए मिल्क की जो प्रोडक्शन है हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या तो जितने भी हमारे पास जो मिल्क एनिमल्स हैं हम उनकी जैसे हम उनके नंबर बढ़ाएं यानी कि हम और जो मिल्क एनिमल्स हैं उनकी जो गिनती बढ़ाएं राइट right? या जैसे हम बाहर से कोई ब्रीड्स हैं उनको लेके आए राइट नंबर वन एक तो हमारे जो मिल्क प्रोडक्शन है दैट कैन बी इंक्रीज इधर बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कैटल्स इन अवर कंट्री और बाय एक्सपोर्टिंग राइट एक्सपोर्टिंग अदर ब्रीड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज तो ये दो दो तरीके हैं जिनसे हम अपनी जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं बट क्योंकि जो हम बाहर से जो ब्रीड्स आती हैं उनको हम क्या कहते हैं एक्जॉटिक एनिमल्स जो बाहर से एक्सॉटिक एनिमल्स आते हैं वो हमारे यहाँ पे जो सरकमस्टांसिस हैं उनको उनमें जल्दी अडाप्ट नहीं होते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो हमारे जेनेटिक पोटेंशियल हैं जो हमारी ओरिजिनल ब्रीड्स हैं राइट उनकी अच्छे तरीके से देखभाल राइट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक नॉलेज वी कैन इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन ओके सो जो हमारी एग्जिस्टिंग जो ब्रीड्स हैं हम उनको उनको ही क्या कर सकते हैं उनकी अच्छी देखभाल करके उनमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपनी मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं जो बाहर से जो वैरायटीज आती हैं एनिमल्स की उनको हम एक्जॉटिक एनिमल्स कहते हैं राइट right? बट इनके साथ एक प्रॉब्लम है ये जो देसी वातावरण है हमारे यहाँ पे उसमें ये अडाप्ट नहीं हो पाती हैं ओके सो वट इज़ इंपॉर्टेंट

कोई लेनी है तो हमने कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है नंबर वन जो लैक्टेशन पीरियड है 300 305 डेज लैक्टेशन मिल्क जो ये जो 305 दिन का लैक्टेशन मिल्क जो है पीरियड है इसमें जो बुफेलो के जो मिल्क की क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए 2500 केजी इतना जो बुफेलो है उसको उसकी जो मिल्क की, की जो क्वांटिटी है वो इतनी होनी चाहिए एक अच्छी भैंस में अब काव में कितनी होनी चाहिए फोर थाउजेंड के जी राइट पीक, येल्ड। पीक येल्ड जब वो जो या भैंस है सबसे ज्यादा दूध देती है जिस पीरियड में सबसे ज्यादा दूध देती है वो उसको कहते हैं हम पीक येल्ड। राइट तो उसमें जो बुफेलो है वो कितना दूध देती है एक बार में बारह से तेरह किलो और जो गाय है वो कितना दूध देती है उन्नीस सौ उन्नीस से लेकर बीस तक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है जो गाय है उसकी एवरेज जीएल मिल्क इन टर्म ऑफ के जी इज ट्वेल्व टू थर्टीन के जी और जो काव है उसकी एवरेज जीएल इन टर्म ऑफ के जी इज नाइनटीन टू ट्वेंटी के जी ओके एवरेज एट फर्स्ट काल्विंग एज एट फर्स्ट काल्विंग मंथ जो बुफेलो है उसकी एज कितनी होनी चाहिए थर्टी सिक्स और इसकी जो काव है उसकी थर्टी ये कितने हैं मंथ इन मंथ्स ध्यान में रखना है एज एट फर्स्ट कालविन जो भैंस है इसकी एज कितनी होनी चाहिए थर्टी सिक्स मंथ्स ओके यानी कि अप्रोक्सीमेटली तीन साल और जो काव है इसकी थर्टी मंथ्स अब कई बार क्या होता है जैसे हमारी इम्प्रूव ब्रीड जैसे भैंस है या जैसे हमारे कैटल हैं उसके हाइब्रिड वे जो सॉरी इम्प्रूवड वे ब्रीड्स हैं वो हम यूज में वो हम ज्यादा जैसे पालते हैं रखते हैं ठीक है इन प्लेन्स एरिया ऑफ पंजाब फॉर ब्रीड इम्प्रूवमेंट ऑफ काउस ध्यान में रखना है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से फॉर ब्रीड इंप्रूवमेंट ऑफ काउस काउ की अच्छी नस्ल तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं जो फ्रेस, फ्रेजियन है फ्रेजियन। इसके हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं राइट जो हमारी गायें हैं ये उसकी जो हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं किसके साथ फ्रेजियन उसके साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे ये जो होल फ्रीजियन है ये ये क्या है ब्रीड ऑफ डेरी कैटल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डच प्रोविंस ऑफ नॉर्थ हॉलैंड एंड फ्रीजलैंड ये इंपॉर्टेंट है देखिए हम काउज की क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं किससे ज्यादातर जो प्लेन एरिया है वहां पे प्लेन एरिया में काउ की ब्रीडिंग हम किससे करा, कि, कराते हैं फ्रेजियन, और ये कहाँ की वैरायटी है इट्स ए ब्रीड ऑफ डेरी कैटल फ्रॉम डच प्रोविंस कहां से है नॉर्थ हॉलैंड से है ये ब्रीड होल फ्रेजियन जो ब्रीड है ये कहां से है नॉर्थ हॉलैंड और फ्रीजलैंड एग्जाम में जो अगर क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी है उंटेन एरिया में हम जो गाय है उसकी जो क्रॉस ब्रीडिंग है किसके साथ कराएंगे जर्सी ब्रीड आती है एक राइट right? तो इससे इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करा है जैसे क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं हम बिकॉज देर इज शॉर्टेज ऑफ फोर्डर इन दैट एरिया एंड जर्सी इज ए शोर्ट स्टेट ब्रीड ओके ध्यान में रखना है अगर तो प्लेन एरिया है जैसे मैदानी एरिया है तो वहां पर हम जो काउ है उसकी ब्रीडिंग किससे कराते हैं एक ब्रीड है हॉलैंड की और फ्रिजलैंड की और जो सब माउंटेन जहां पर थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र आ जाता है वहां पर हम जो काउज है उसकी जो क्रॉस ब्रीडिंग है वो किससे कराएंगे जर्सी ब्रीड से क्यों क्योंकि जो जर्सी ब्रीड है ये छोटे छोटे ये इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो छोटा रहता है और इनको ये जो फोर्डर रिक्वायरमेंट है इनकी कम है तो प्लेन जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे फोर्डर कम मिलता है इस वजह से जो काउज हैं उनकी जो क्रॉस ब्रीडिंग है हम जर्सी ब्रीड से कराएंगे अब एग्जाम में देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है के हाईएस्ट जो मिल्क वैरायटी है जो मिल्क है वो किन गाय से आता है तो आपने याद रखना है जो होलस्टेन फ्रीजन गिव्स द हाईएस्ट मिल्क वाइल जर्सी हैज़ मोर फैट परसेंटेज इन मिल्क जो होलस्टेन फ्रीजन राइट वो जो गायें हैं क्रॉस ब्रीडिंग से जो गायें हैं उनके जो मिल्क मिल्क क्वांटिटी क्या है वो हाईएस्ट है और जो जर्सी है उसकी जो परसें, जो फै उसके जो मिल्क में फैट की मात्रा ज्यादा है ये जो इनके सीमेंस हैं क्रॉस ब्रीडिंग के लिए जो हॉस्टेन फ्रीजन और जर्सी ब्रीड है इनके जो बुल्स हैं इनके जो सीमेंस है वो कहाँ से मिलते हैं गुरु अंगद देव वटर्निटी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना इट प्रोवाइड्स सीम ऑफ इंप्रूव्ड एंड प्रोजनी टेस्टेड बुल्स फॉर दिस परपज ओके नेक्स्ट इज काउ रियरिंग इन इंडिया ऑफ काउज आर फॉर मिल्क प्रोडक्शन ज्यादातर जो हमारे यहां पे गायें हैं वो देसी गायें हैं हम दूध के लिए हम अपनी देसी गाय को रखते हैं बट दीज ब्रीड्स गिव लेस मिल्क परंतु जो हमारी देसी गायें हैं ये क्या कर ये इनमें क्या है दूध की पैदावार कम होती है अब हमने क्रॉस ब्रीडिंग इनकी करानी शुरू कर दी है अब जो है हमारे पास जो इंप्रूवड जो ब्रीड्स हैं वो आ रही हैं गाय की राइट सो इंडी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है जो हमारे इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं काउस की वो कौन कौन सी है नंबर एक हरियाणा दिस ब्रीड हैज इट्स ओरिजन इन रोहतक रोहतक हिसार करनाल एंड गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा जो हरियाणा गाओ हैं हमारी इंडिजीनियस देसी गाय हैं राइट इसका ओरिजन कहाँ पे है रोहतक हिसार करनाल और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजन माना जाता है नाउ इट्स एनिमल हैव वाइट टू लाइट ग्रे कलर मीडियम साइज लॉन्ग लेंथ एंड लॉन्ग हेड्स जो ये हरियाणा जो काव है इसका जो कलर है दैट इज लाइट ग्रे कलर होता है इसका ओके मीडियम साइज है इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा होती है और इसकी जो ला, लाते हैं वो भी लंबी होती हैं। इट इज द बेस्ट ड्यूअल पर्पज ब्रीड बिकॉज काउज गिव्स मोर मिल्क एंड एंड और जो इसके देखिए ये जो हरियाणा वैरायटीज है काउस की इसमें आपने ध्यान रखना है एक तो इनका जो क्वालिटी है मिल्क की वो भी अच्छी है इसको ड्यूअल पर्पज एनिमल बोलते हैं ड्यूअल पर्पज इसलिए कि इनका जो मिल्क है वो भी अच्छा है दूसरा इसके जो बछड़े हैं उनसे उनसे जैसे और भी काम लिया जा सकता है जैसे इट्स मेल्स आर गुड एंड स्ट्रोंग बुलक्स इसके बच्चे बछड़े जो होते हैं बलद बलद वो क्या है वो काफी स्ट्रोंग होते हैं और उनको एग्रीकल्चर वर्क के लिए भी यूज किया जा सकता है राइट बॉडी इज कंपैक्ट विद टाइट स्किन एवरेज लैक्टेशन मिल्ड इज वन थाउजेंड किलोग्राम विद अबाउट फोर परसेंट फैट नाउ इस स्लाइड में अगर बात करें तो क्या क्वेश्चन बन सकता है एक तो जो इंडिजीनियस ब्रीड है काओ की वो कौन सी है नंबर एक है हरियाणा ठीक है और इसकी जो एवरेज यील्ड है इसकी एवरेज लैक्टेशन एवरेज लैक्टेशन मिल्क यील्ड कितनी है 1000 किलोग्राम और इसमें फैट की मात्रा कितनी है 4 परसेंट तो हरियाणा ये जो काव है एक लैक्टेशन पीरियड में कितना दूध दे देती है अराउंड 1000 थाउजेंड और इसके जो दूध में फैट की मात्रा कितनी है 4 परसेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ब्रीड है काओ की हमारे यहां पे इंडिजीनियस दैट इज साहिवाल इट इज बेस्ट इंडियन मिल्च ब्रीड दिस ब्रीड इज नेटिव ऑफ माउंटगोमेरी माउंट गोमेरी पाकिस्तान ये जो साहिवाल नस्ल की जो गायें हैं ये कहां से जो नेटिव किसको बोलते हैं कहां से ये आती हैं या इनका ओरिजिन कहां से है तो दैट इज इन पाकिस्तान मॉन्ट गोमेरी पाकिस्तान से आई हुई है हाउ एवर एनिमल्स आर ऑल्सो फाउंड इन फिरोजपुर फजरका अमृतसर एंड तरन तारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इनका जो बॉडी साइज है वो मीडियम टू लार्ज है इनका जो कलर है दैट इज लाइट रेड टू लाइट रेड टू रेड कलर इनकी जो स्किन है वो लूज लूज स्किन है राइट इनकी जो लाते हैं वो एज कंपेयर टू हरियाणा काउस वो समाल हैं इनके जो बछड़े हैं या बुलक्स हैं दीज आर लिथार्जिक एंड स्लो फॉर वर्क एवरेज मिल्क जो लैक्टेशन है इसका कितना है 1800 किलोग्राम और इसकी जो फैट की मात्रा वो कितनी है 5 परसेंट हरियाणा टाइप की जो काओ है उनकी जो एवरेज लैक्टेशन मिल्क कितनी थी 1000 किलोग्राम तो साहिवाल टाइप की जो काउज़ हैं इनकी एवरेज लैक्टेशन मिल्क की वन एट डबल जीरो किलोग्राम और इनकी फैट कंटेंट क्या है फाइव परसेंट तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपने इसको नोट डाउन कर लेना है राइट right? जो तीसरी जो वेराइट हमारी जो देसी गाय मानी जाती है राइट right? ब्रीड वो कौन है रेड सिंधी अब ये जो शाही है और ये जो रेड सिंधी है दीज आर

मिल्क येल्ड है वो कितनी है 1800 किलोग्राम पर लैक्टेशन इट इट्स मिल्क आल्सो हैज 4 परसेंट फैट नेक्स्ट जो है हमारी इंडिजीनियस नशल है जो काव की जो हमारे यहां पे बहुत मिलती है दैट इज थर प्रकार दिस ब्रीड हैज इट्स ओरिजिन इन सिंध पाकिस्तान कच्छ गुजरात जोधपुर एंड जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एनिमल्स हैव मीडियम साइज, कंपैक्ट बॉडी, और कलर, हैड शॉर्ट लेग्स एंड लार्ज उडेर इट्स एवरेज लैक्टेशन इलेक्ट्रीशियन किल्ड फोर वन फोर डबल जीरो किलोग्राम इट्स ए ड्यूअल पर्पज ब्रीड ये भी एक जो ब्रीड है ड्यूअल पर्पज ब्रीड है ओके सो so, अब देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या है वो हमने नोट no डाउन कर लेना है नंबर एक हमारी जो इंडिजीनियस ब्रीड्स हैं काउल की हमारे जो कंट्री में मिलती है वो कौन कौन सी हैं दूसरा इन ये ब्रीड्स जो हैं इनकी क्या क्या फीचर्स हैं और इन ब्रीड्स में जो एवरेज लैक्टेशन मिल्क येल्ड कितनी है ये भी हमने ध्यान में रखना है और इनमें फैट की मात्रा कितनी है राइट right? सो so, ये कुछ चीजें हैं जो आपने नोट no डाउन कर लेनी है नाउ एग्जॉटिक ब्रीड्स ऑफ काउस अब एग्जॉटिक ब्रीड्स क्या होती है जैसे मैंने पहले आपको बताया एग्जॉटिक ब्रीड्स आर ये वो ब्रीड्स है जो हमारी जो विदेशी होती है जो बाहर से गाय आती है ये उनकी वराइटी होती है जैसे हॉस्टन फ्रीजन है राइट मैंने जैसे आपको बताया था तो ये जो हॉस्टन फ्रीजन है ये हॉलैंड की जैसे ब्रीड है दिस ब्रीड ब्रीड इज ए नेटिव ऑफ होलैंड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए होस्टेन फ्रीजन कहाँ की ये ब्रीड है तो आंसर शुड बी होलैंड परंतु अब ये हर जगह पे मिलती है बट इट इज डोमिनेटिंग इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड ये जो होस्टेन फ्रीजन टाइप की जो गायें हैं इनकी जो इनमें जो इनकी जो मिल्क की ये वो बहुत ज्यादा है राइट right? एनिमल्स ऑफ दिस ब्रीड आर में ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो मिल्क वो किस ब्रीड की, काओ की है? तो वहां पे आंसर आपका होना चाहिए होस्टेन फ्रीजन राइट right? और ये जो होस्टेन फ्रीजन है कहा की ब्रीड होलैंड की किस तरह की होती है ये इट हैज डार्क एंड व्हाइट कलर But animals with red and white colors are also available. Okay? Average lactation milk is 5500 to 6500 kilograms, or its fat content that is 3.5 to 4 percent fat. Right. So next is Jersey. दो है एग्जोटिक वराइटीज जिसका हमने जिक्र पहले भी किया है एक तो होस्टन फ्रीजियन और दूसरी जर्सी जर्सी जो ब्रीड है ये काफी हैवी एनिमल्स हैं काफी बिग एनिमल्स हैं बट जर्सी जो ब्रीड है वो इनका जो बॉडी है वो शॉर्ट बॉडी है ये दीज आर द शॉर्ट एनिमल्स ज्यादा ये बड़े नहीं होते हैं काओ ये जो काय हैं ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं दिस ब्रीड बिलोंग्स टू जर्सी आइसलैंड ऑफ इंग्लैंड राइट एनिमल आर शॉर्ट स्टेटर्ड एनिमल्स है ब्राउन टू ब्राउनिश रेड कलर एवरेज मिल्क इज थ्री थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड किलोग्राम और फैट कितना रहता है फाइव परसेंट ओके ये जो दो वेराइटीज हैं दीज आर टू एक्सॉटिक वेराइटीज सॉरी टू एक्सॉटिक ब्रीड्स जो विदेशी ब्रीड हैं अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हॉस्टन फ्रीजन हम कहाँ पे जैसे हमारी जो का, काउज हैं उन उनकी जो हम क्रॉस ब्रीडिंग है हॉस्टन फ्रीजन की किस ज, इलाके में ज्यादा कराते हैं जहां पे प्लेन रीजन हो जहां पे फोर्डर बहुत हो वहां पे हम अपनी जो काउज हैं उसकी क्रॉस ब्रीडिंग किससे कराएंगे हॉस्टेन फ्रीजन से और जो सब माउंटेन एरिया है वहां पे हम क्रॉस ब्रीडिंग कहां कर, कराएंगे किसके साथ कराएंगे जो जर्न्यू जर्सी जो ब्रीड है इसके साथ अब होस्टेन फ्रीजन जो है इसकी जो इसकी जो मिल्क की येल्ड है वो बहुत ज्यादा है और जो जर्सी है इसका जो इसकी जो ब्रीड्स हैं उन गांव में जो उनका जो दूध है उसमें फैट ज्यादा है राइट right? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपको सारी याद होनी चाहिए ठीक है तो एवरेज लैक्टेशन मिल्क येल्ड कितनी है हॉस्टेन फ्रीजन जो ब्रीड्स हैं उसमें कितना जो मिल्क देती है एक सीजन जैसे एक बार में जैसे एक सीजन में सॉरी बात करें लैक्टेशन मिल्क येल्ड एवरेज लैक्टेशन मिल्क येल्ड कितनी है फिफ्टी फाइव हंड्रेड टू सिक्सटी फाइव हंड्रेड ओके यानी कि साढ़े पाँच हजार से लेकर साढ़े छः हजार तक इतना दूध देते हैं एक बार इनका जो सीजन होता है जैसे दूध का तो ठीक तो, है अब जो दूसरी जर्सी काउज हैं वो तीन हजार से लेकर पांच हजार किलोग्राम तक दूध देती हैं बट इनमें जो फैट फे, कंटेंट कम होता है जो जर्सी टाइप काउज हैं उनमें फैट कंटेंट ज्यादा है ठीक है जी नेक्स्ट है फीडिंग ऑफ काउज काउस को फीड करने के लिए हम क्या दे सकते हैं ऑल एनिमल्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट इनको प्रोटीन और फैट हर जो ये जो एनिमल्स हैं हमारे मिल्क एनिमल्स इनकी जो रिक्वायरमेंट है इनको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट इन तीनों की ज़रूरत होती है इन डेयरी एनिमल्स 80 परसेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स जो डेयरी एनिमल्स हैं जो जिनका पर्पज है जिनसे हम दूध वगैरह लेते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की वो कितनी है एट्टी प्लांट सेल्यूलर्स सेल्यूलोस एंड स्टार्च आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादातर ये जो एनिमल्स है प्लांट्स वगैरह है उनको खाते हैं एंड दीज प्लांट्स प्लांट सेल्यूलोस एंड स्टार्च आर अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर सप्लाइड थ्रू फोडर एंड कंसंट्रेटेड फीड देखिए मेनली जो हम अपने जो ये जो एनिमल्स हैं राइट इनको हम कौन सी खुराक देते हैं या तो हम इसको हरा चारा डालते हैं या कंसनट्रेटेड फीड आती है मार्केट से आती है कंसनट्रेटेड फीड में क्या होती है क्या होती है जैसे उसमें आ, उसमें कई तरह के अनाज आ, अनाज आ जा जाते हैं कई तरह के ऑयल कई तरह की चीज़ें मिलकर कंसनट्रेटेड फीड तैयार होती है तो हम अपने एनिमल्स को हरा चारे के साथ साथ कई बार कंसनट्रेटेड फीड भी देते हैं राइट नेक्स्ट पॉइंट इज एन एवरेज काओ और बुफेलो विद 400 हंड्रेड के जी बॉडी वेट रिक्वायर्स अबाउट थर्टी फाइव के जी ग्रीन फोडर फॉर डेली बॉडी मेंटेनेंस अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है जो एवरेज काव या बोफेलो डेली कितना चारा खा सकती है या मतलब उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है तो वहां पे आंसर होना चाहिए इनको कितना चारा चाहिए डेली का थर्टी फाइव के जी ओके मिक्स टू टू थ्री के जी ऑफ वीट राइट जैसे वीट भूसा जिसमें आप जिसको हम तुड़ी भी कहते हैं मिक्स टू के जी टू टू थ्री के जी ऑफ वीट भूसा इन ग्रीन, बरसीम और लर्स ल्यूसरीन एज दे कंटेन हायर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड प्रोटीन एंड लेस अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर अक्सर हम जब गांव को भैंसों को चारा डालते हैं तो क्या करते हैं या तो हम बर्सीन उनको हरा चारा डालते हैं राइट right. या जैसे तूड़ी जैसे वो जैसे जो गेहूं है उसका भूसा जिसको हम तूड़ी कहते हैं वो मिला के अक्सर हम गायों को डालते हैं राइट right. अब कंसंट्रेटेड जो फीड है वो कब देनी चाहिए और कितनी देनी चाहिए कंसेंट्रेट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ये कैसे कंसनट्रेट फीड कैसे तैयार होती है इसमें कई तरह के serils, serils जैसे हमने डिस्कस किया था क्या है जैसे हमारे अनाज हैं डिफरेंट दाड़े हैं उनको हम क्या कहेंगे तो इसमें जो कंसनट्रेटेड फीड है इसमें कई तरह के सेरल्स मिले होते हैं ऑयल सीड्स केक मिले होते हैं और कई तरह के बाय प्रोडक्ट हैं जैसे टू मीट देयर डेली फीड रिक्वायरमेंट तो ये जो कंसेंट्रेट फीड है ये इसमें कई तरह के हम सेरल्स और कई तरह के ऑयल सीड क्रॉप्स आपस में मिला के तब ये कंसेंट्रेटेड फीड तैयार होती है अगर तो हम अपनी गाय को या अपने एनिमल्स को लेग्युमेनस फोल्डर यानी कि जो आ, लेग्यूमिनेस होते हैं जैसे चने दाले वगैरह होगी उनके उन, उन क्रॉप को बोलते हैं अगर उस तरह का हम अगर चारा डाल रहे हैं तो जो कंसनट्रेटेड फीड है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होनी चाहिए सो टुडे वी डिस्कस्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डेयरी फार्मिंग ओके सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं आपने नोट डाउन कर लेने हैं अपने याद कर लेने हैं अपने रिवाइज कर लेने हैं ओके सो आई होप गैस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास आपको काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी सो दैट्स आर फोर टूडे थैंक यू वेरी मच